अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ बीपी सिंह, उहाँ हुनुहुन्छ अल इन्डिया कंग्रेस कमिटी का सेक्रेटरी र वेस्ट बेंगाल अनि सिक्किम का इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले सिक्किम आउनु भएको छ र आज उहाँले सिक्किम को पोलिटिकल सिचुएसन जुन छ यसमाथि प्रेस कन्फरेन्स राख्नु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आपको बहुत बहुत स्वागत सिक्किम में। अभी आपने प्रेस कन्फरेन्स जो रखा उसमें आपने बोला सिक्किम के लिए अच्छे दिन नहीं आए, मीन्स आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं? जी मैम, इसलिए अच्छे दिन नहीं आए कि सिक्किम के लोगों के साथ धोखा हुआ, सिक्किम का जो जनादेश था उसका अपमान हुआ। जिस तरीके से बीजेपी और पीएस गोले का अनहोली अलायंस रहा है उससे सिक्किम के लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन का मतलब होता है अच्छी हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो आपका, अच्छा कानून व्यवस्था हो, अच्छा विकास हो। इसमें सब चीज़ गायब है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने ऐसा कहा कि ये अच्छे दिन नहीं आए सिक्किम के लोगों के, 6 लाख लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। आपने ये भी एक मुद्दा उठाया जो अभी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको जो ECI ने जो लड़ने के लिए जो उनको अनुमति दिया है, आपके पार्टी इस इश्यू को लेके क्या कर रहे हैं अभी तक? हमारी पार्टी सबसे मुझे तो इसलिए मुझे प्रसन्नता है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं भरत जी, वो बहुत एक्टिव हैं और हर इश्यूज़ को इतने अच्छे से उठाते हैं। इस इशू को लेके वो यहाँ से दिल्ली तक आए, दिल्ली में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे पार्टी के अच्छे वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने इस इशू को लिया। हम लोग इसको आने वाला सत्र 2 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, हमारे जो इंचार्ज हैं श्री गौरव गोगोई जी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं सिक्किम के, वेस्ट बंगाल के, मणिपुर के, वो इन सब चीज़ों को मैं उनको ब्रीफ करूँगा जाके, लोकसभा में उठाएंगे, हमारे राज्यसभा में हमारे लीडर अपोजिशन हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको उठाएंगे। हमारे एक पुराने इंचार्ज सलमान खुर्शीद साहब रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे हमने बात किया, कानूनी सलाह ली है, उन्होंने कहा है इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देना है, हम देंगे इसको। जब इस जब हुआ था, जब ये कानून ECI ने ये परमिशन दिया था उस टाइम क्यों नहीं किया, अब आके क्यों कर रहे हैं? उस समय भी हम लोगों ने उठाया, आज आप देखती हैं जिस तरीके से बीजेपी के राज में मिसयूज हो रही है एजेंसीज को, चाहे ECI हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, उस समय भी हम लोगों ने अपने आवाज़ को बुलंद किया। अगर आप पीछे जाके देखेंगे मीडिया की ढेर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ICC ने, इसको उठाने की कोशिश की थी। लेकिन हमारा काम है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चीज़ों को उठाना, लोगों को जन जागरण का काम करना, इसको हम लोग सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता, जब तक सिक्किम के 6 लाख लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक इस इशू को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सीमित दिखाया जाता है ज़्यादातर रोड में जाके काम नहीं किया हुआ, इस एलिगेशन भी है, क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कहा कि मैंने अपने प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी यूनिट है, जो भी हमारी इकाई है, जो हमारे DCC प्रेसिडेंट्स होते हैं, हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, उसको हम अपना दुरुस्त करेंगे। हम लोग इसको सड़क पे लड़ना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक माध्यम है, सोशल मीडिया आजकल कितना पावरफुल है, इसलिए हम लोग उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसको कांग्रेस इश्यूज़ को छोड़ती नहीं है। आपने देखा जिस तरीके से आज महंगाई का आप देखें, बीजेपी के शासन में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखें, पिछले 50 सालों में इतनी मंदी नहीं रही जितनी मंदी रही, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। पूरे ज़िले में कम से कम 750 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी का सर्कुलर है कि हम लोग महंगाई के खिलाफ लड़ें, हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है आप देख रही हैं, काला धन लाने की बात हुई थी उसको लड़ें, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात आपने की थी, कहाँ है, आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, आपने कहाँ है, आप चीज़ों से बीजेपी की सरकार और उनकी जो सहयोगी सरकार है, राज्य सरकार है, वो मेन मुद्दों से भटकना चाहती हैं। वो कभी NRC की बात करती है, कभी CEA की बात करती है, कभी NPR की बात करती है, तो इन सब इशूज़ से ध्यान बांटने का काम करती है, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो देश के जनता के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम रोज़गार लाएंगे, हम महंगाई को ख़त्म, आज देख रही हैं आप रसोई गैस कितनी महंगी है, प्याज कभी आपने सुना इतना महंगा प्याज हुआ हो कभी, दाल कितनी महंगी हो चुकी है, किसान के लिए खाद नहीं मिल रही है, किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है,
तो हम इन सब चीज़ों से उन वो भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। चाहे नोटबंदी का इशू हो, चाहे GST का इशू हो, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम लड़ेंगे। सिक्किम के लिए क्या सोचा है कांग्रेस पार्टी ने, कैसे काम करेंगे आगे जाके? सिक्किम के लिए हमने जो एक एक्शन प्लान बनाया है कि हम अब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ये मेरा दूसरा दौरा है सिक्किम का, अब इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके बाद सिक्किम के जो भी लोकल इश्यूज हैं उस पर हम फोकस करेंगे और उसको लेके हम सिक्किम में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे ढेर सारे सेंटर के लीडर्स हैं जो सिक्किम में हमें सपोर्ट करेंगे, चाहे चिदम्बरम साहब हों, चाहे शशि थरूर जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी हों। नारायण स्वामी साहब से हमने बात किया, वो बहुत लंबे समय तक सिक्किम के इंचार्ज थे, अभी पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आएंगे। तो हम लोग यहाँ के यूथ के बारे में, यहाँ के एजुकेशन के बारे में, यहाँ का स्पोर्ट्स है उसको कितना इन लोगों ने निग्लेक्ट किया है, हम लोग उसको भी फोकस करेंगे। यहाँ पे महिला मंडल, यूथ क्लब के माध्यम से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का विस्तार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सो काइंड ऑफ यू। सहयोगी अर्पण प्रधान के साथ मां कविता शर्मा।